हेलो दोस्तों दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस के दौरे के ऊपर हैं। ऐसे टाइम के ऊपर उनके जस्ट जाने से पहले भारत की तरफ से 26 राफेल एमजेट्स को अप्रूव कर लिया गया है। वो आप लोग सोच रहे होंगे, सर क्या ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए हैं? देखो मैं समझाता हूँ, दरअसल में होता क्या है ना, हमारे यहाँ पे इस तरह के जो अप्रूवल्स होते हैं वो DAC करता है। सर अब ये DAC क्या है? दिस इज वॉट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। जो भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं विद रिगार्ड्स टू लेट से कुछ कैपिटल एक्विजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ये रफाल जेट जो हम एक तरह से एक्वायर कर रहे हैं, या फिर इस तरह की कुछ नई पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो DAC करता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। चाहे आपका आर्मी हो, आपका नेवी हो, आपका एयरफोर्स हो, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इन सभी के रिगार्डिंग कैपिटल एक्विजिशन और नई पॉलिसीज बनाने का काम किसका है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। तो सर इसको हेड कौन करता है, कौन इसका चेयरमैन है? देखो वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, अभी राजनाथ सिंह जी है ना, तो वो अभी करेंटली इसके चेयरमैन हैं। हुआ क्या था, 1999 में आप जानते हो हमें कारगिल वॉर देखने को मिली थी। उसके बाद हमने सोचा कि कैसे हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके बाद 2001 में हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को यहाँ पे बनाया था, राइट। अब यहाँ पर सर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो हम 26 राफेल जेट ले रहे हैं, इनमें से टोटल जो 22 होंगे वो सिंगल वाले होंगे, और जो बाकी दो हैं वहां पर वो डबल वाले हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोसीजर थोड़ा सा पता होना चाहिए, 26 सिंगल सीटर जेट और 22 ट्विन सीटर जेट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, ये कहीं वेनिस की फोटोज नहीं है, ये दिल्ली की ही फोटोज है सारी, ठीक है ना। दिल्ली में आप सभी जगह देख सकते हो कैसे पानी अलग अलग जगह पे भरा हुआ है, चाहे रेड फोर्ट की आप बात कर लीजिए, तो काफी कंडीशन यहाँ पे इश्यूज हमें देखने को मिलता है। तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेट है आज की 14 जुलाई 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो कल डेट है 15 जुलाई, है कि नहीं, और कल ही आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। तो कल के लिए वेट कीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कल ही यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली वेट फॉर इट, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोसीन इपोक के बारे में। सर इसका मतलब क्या है? देखो अगर आपकी ना ज्योग्राफी अच्छी है तो बड़े आराम से समझ जाओगे। इनफैक्ट ना अगर आपने ज्योग्राफी की NCERT पढ़ी है तो आप सभी ने पढ़ा होगा इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, इन सभी के बारे में। सर ऐसा कुछ कुछ याद तो आ रहा है, थोड़ा आप बता दीजिए। देखो इयोन ना एक काफी बड़ा टाइम स्पेन होता है, जहां पर हम लेट्स से बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, आर्कियन हो गया, प्रोटोजोरिक हो गया, फिनोरोजोइक हो गया, ये सारे क्या हैं? ये आपके इयोन्स हैं। ये बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है, बिलियंस ऑफ ईयर, जहां पर उसके अंदर उसको अगर फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो इयोन वगैरह इसके अंदर, सॉरी एरा वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो इयोन के अंदर सर जैसे मान लो आप फिनोरोजोइक की बात करो तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको एरा, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक एरा आपको देखने को मिल जाएंगे। सर एरा का मतलब क्या होता है? देखो एरा एक तरह से इयोन की सब डिविजन है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपके जियोलॉजिकल इवेंट्स या आपके जो बायोलॉजिकल इवेंट्स है वो टेक प्लेस करते हैं, ठीक है ना। कुछ बड़ा शिफ्ट हुआ होगा किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, तब हम बोलते हैं कि हाँ पैलियोजोइक से हम मीजोजोइक के अंदर आ गए, मीजोजोइक से हम सेनोजोइक के अंदर आ गए। फिर अगर हम एरा को भी सर सब डिवाइड करें तब हम आ जाते हैं कहाँ पर, हम पीरियड के अंदर आ जाते हैं। ये जनरली मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के फॉसिल्स, आपके जियोलॉजिकल फीचर्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है एक जब पीरियड से आप दूसरे पीरियड की तरफ मूव करो, कहीं ना कहीं कुछ अर्थ क्लाइमेट के अंदर कुछ चेंज आते हैं, तो वो सारे पीरियड्स के अंदर, जैसे आपने जुरासिक पीरियड के बारे में आप जानते होंगे, क्वार्टरनरी आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये पीरियड्स होते हैं। अगर पीरियड को भी फर्दर से सब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इपॉक आ जाएगा। ये थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोई फ्लोरा के अंदर चेंजेस, फ्लोरा फोना आपके क्लाइमेट के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, तो उस तरह से आप इपॉक के अंदर देख सकते हो। तो ध्यान रखना इयोन सबसे बड़ा, फॉलोड बाय एरा, फॉलोड बाय पीरियड, एंड लास्टली इपॉक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज थोड़ा समझ आ गया। अब ये एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या होता है? देखो जब भी आप वर्ड सुनते हो एंथ्रो, एंथ्रो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमंस के साथ रिलेट करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी अगर आप नोटिस करो पिछले कई सालों के अंदर ना, हम बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने काफी मेजर चेंजेस लेकर आए हैं हमारे क्लाइमेट के अंदर, ठीक है ना। आप अलग अलग तरह के आप जानते होंगे कि क्लाइमेट चेंज हो गया या जो डिफरेंट डिफरेंट और चीजें होती हैं। तो क्या हम सर एंथ्रोपोसीन इपोक के अंदर एंटर कर चुके हैं? ये वो वाला इपोक है बेसिकली, जहां पर ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से ना हमारे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या है, जो साइंटिस्ट है ना वो डिवाइडेड हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ हम एंथ्रोपोसीन इपोक में आ चुके हैं क्योंकि क्लाइमेट के अंदर बड़े बड़े चेंजेस ह्यूमन की तरफ से करे गए हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी हमारे पास एनफ एविडेंस नहीं है। तो अभी क्या हुआ है ना, कनाडा का जो ओंटोरियो है वहां पर एक लेक है क्रॉफोर्ड लेक के नाम से, ये नाम भी ध्यान में रखना कहाँ पर है ये कनाडा के अंदर। यहाँ पर कुछ जियोलॉजिस्ट ने एविडेंस दिए हैं कि हाँ एंथ्रोपोसिन इपोक अब स्टार्ट हो गया है। सर कैसे एविडेंसेस? देखो अगर आप नोटिस करो तो ये जो पर्टिकुलर मगर लेक की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो लेयर्स हैं इसमें हमें प्लूटोनियम का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अब प्लूटोनियम कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं जब हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डेटोनेट हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा डोमिनेंट फोर्स हो चुकी है कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर आ रहा है। तो ये एग्जामिनेशन यहाँ पे करा गया एंड उसके बेसिस के ऊपर कुछ जियोलॉजिस्ट ने बोला कि हाँ हम एंथ्रोपोसिन इको पे अंदर आ चुके हैं, कुछ अभी ऐसे एग्री नहीं करते। तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पहली बार ये जो टर्म थी ये केमिस्ट है पॉल क्रुटजन उनके द्वारा करी गई, और बायोलॉजी प्रोफेसर है यूजिन स्ट्रॉमर इनके द्वारा ये चीज बताई गई है। तो आपको ये चीज ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में पता होना चाहिए जो मैंने आपको समझाया, प्लस साथ साथ इसका मीनिंग क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे इन पर्टिकुलर जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने बात करी है। ध्यान रखना इन्होंने बात करी है कि 1950 और 1954 के बीच में ना कहीं ऐसा ये नया इपॉक हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, पर अभी भी लैक ऑफ कंसेंसस है, कुछ अग्री करते हैं कुछ इससे अग्री नहीं करते, ठीक है ना। लेक के अंदर जो स्टडी हुई है मैंने आपको समझा दी है किस तरह से यहाँ पर हमें प्लूटोनियम का प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है जी। तो ये हो गया एंथ्रोपोसीन इपोक के बारे में। ये बाकी जो चीजें ना ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो मैंने बताया ना, इयोन, ईरा, पीरियड और इपोक, उसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। एक तरह का ये कैलेंडर ही होता है कैसे कैसे चीजों के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज अटल वेव अभ्युदय योजना। अब इसको समझते हैं। देखो दरअसल में ना हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर ना इनको कुछ समस्याएं फेस होती हैं। सर कैसी समस्याएं? देखो एक तो थोड़ा ना इनको लोनलीनेस की एक समस्या फील होती है, कहीं ना कहीं मान लो अगर इनके बच्चे बाहर चले गए या कहीं और चले गए तो बच्चों से दूर हो जाते हैं, थोड़ा अकेलेपन का एहसास होता है। बाकी देखो मेडिकल चीजें हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी उतनी फिट नहीं रहती, तो कुछ मेडिकल कंडीशन आ सकती है। कई बार किसी को हो सकता है, किसी बुजुर्ग को कोई सुनने की दिक्कत आए, उन प्रॉपरली सुनाई ना दे, आंखों में मतलब कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो मेडिकल इश्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं। पर हमें एज अ सोसाइटी कह लो, हमें हमारे जो सरकार है उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास ये योजना है अटल व्यय अभ्युदय योजना। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये पर्टिकुलर स्कीम को रन करती है। अब मैं थोड़ा ना इस स्कीम के बारे में आपको समझाता हूँ। देखो दरअसल में ना हमारे पास ना पहले दो स्कीम्स हुआ करती थी। सर कौन सी दो स्कीम्स? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन एंड राष्ट्रीय व्योश्री योजना। अब इस पर्टिकुलर स्कीम अटल व्यय अभ्युदय योजना के अंतर्गत यही दो स्कीम्स इंक्लूड कर ली गई हैं। मतलब एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन और दूसरा हो गया राष्ट्रीय व्योश्री योजना। तो अगर हमने इन दोनों प्रोग्राम्स को समझ लिया, कहीं ना कहीं हम अटल व्यय अभ्युदय योजना को समझ लेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं आईपीएससी क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे आप नोटिस करते हो कुछ सीनियर सिटीजन के लिए कुछ उनके लिए केयर होम्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ इनके सीनियर सिटीजन के लिए अलग से इनको हम घर बनाते हैं कि मान लो वहां पर ये आराम से रह पाए, ठीक है ना। अगर मान लो आजकल आप नोटिस करते हो ना कई बार जो बच्चे होते हैं इनको घर से निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी केयर करने के लिए, उनको प्रॉपर एक अच्छी जिंदगी देने के लिए सीनियर सिटीजन केयर होम्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इनके लिए मेडिकेयर यूनिट्स भी होते हैं, तो उन सभी केयर होम्स की हम अच्छे से उनको इनको ढंग से हम मेंटेन करें, वो ये स्कीम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। साथ में यहाँ पर उनके उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए और उनकी बेसिक फैसिलिटीज उनको यहाँ पे मिले, ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंतर्गत इंश्योर करी जाती हैं। सर ये स्कीम तो समझ आ गई, पर ये राष्ट्रीय व्योश्री योजना क्या है? देखो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कान में अगर सुनाई नहीं दे रहा, उसके मतलब तो उनके लिए हेयरिंग एड हम कुछ दे सकते हैं जो कान में लगाने वाली मशीन होती है। किसी को अगर देखने में दिक्कत आती है तो कुछ उनके लिए यहाँ पे किया जा सकता है। किसी के दांतों का मतलब दांत लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या चीज़ करी जा सकती है। किसी को चलने में कोई दिक्कत आ रही है तो चलने की दिक्कत के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब कुछ और कुछ ऐसे इक्विपमेंट दिया जा सकता है जिससे उन्हें चलने में दिक्कत ना आए। ध्यान में रखने वाली बात यह है ये स्कीम ना सबके लिए नहीं है, मतलब सभी सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, उनकी बात हो रही है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्योंकि अगर मान लो कोई अमीर इंसान है तो वो तो अफोर्ड कर लेगा ना ये सारी चीज़ें, अगर पर कोई गरीब है और
एल्डरली है, तो वहां पर इन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। या तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, या फिर अगर लेट्स से आप हर महीने कहीं ना कहीं 15,000 से कम कमाते हो, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो बस ये स्कीम और कुछ नहीं, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन थी जो हम जान चुके हैं। ध्यान क्या रखना है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको देखती है ताकि प्रॉपरली वेलबींग हो, उनको सोशली इंक्लूड किया जा पाए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो इतना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हम उनको यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। साथ में शेल्टर, फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड करी जाती हैं। कौन इंप्लीमेंट करता है? देखो, इंप्लीमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट्स हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सारे अलग अलग एजेंसीज हमें यहाँ पे कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को हमारी मिल जाती हैं। बाकी देखो, ये सारी चीज़ तो आप डेफिनेटली आप समझते ही होंगे कि उनको प्रॉपर केयर मिले, उनको प्रॉपर रिलेशनशिप्स उनके साथ बिल्ड हो, ढंग से उनकी जो एजिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो पाए, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्कीम्स की जो इंपॉर्टेंस थी वो तो हम समझ गए हैं। ध्यान रखना, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिकली सारा पैसा यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो सिटीजन होम है, सीनियर सिटीजन होम्स है, उनको मेंटेन करने के लिए सारा पैसा कौन दे रहा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसी तरह से राष्ट्रीय व्योश्री योजना, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है। यहाँ पर भी क्या कोशिश करे जा रहा है कि जैसे किसी का लो विजन हो गया, हियरिंग इंपेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, लोकोमोटर एबिलिटीज, इनके लिए जो भी काम करना हो ये करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ना हमारे पास ALIMCO है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर रहेगी। तो जो भी इश्यूज आते हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह, वो यहाँ पे ये उनके रिगार्डिंग वर्क इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अटल वयो अभ्युदय योजना। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। देखो, दरअसल में ना अगर आप नोटिस करोगे, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो 3 जुलाई को ना क्रिटिकल मिनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट निकली थी। ठीक है, हमने उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो जिसने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी, ठीक है, एक बार जाके 3 जुलाई वाला हमारा प्रीलिम बूस्टर देख लेना, वो समझ आ जाएगा। अब दरअसल में अगर मैं छोटा सा बताऊं तो क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या थे? कहीं ना कहीं वो मिनरल्स जिनकी सप्लाई काफी कम है, काफी शॉर्टेज के अंदर है, एंड एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैंने पूरे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है ना, हमारी सरकार ने माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की बात करी है, जिसके बेसिस पे पता क्या होगा, जो यहाँ पर 6 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनमें एक लिथियम भी है और 5 और हैं, तो इनके रिगार्डिंग उनकी कमर्शियल माइनिंग अलाउ कर दी गई है। ये बात समझ आई? तो सर 6 मिनरल्स है कौन से? देखो, लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नायोबियम, टेंटेलम एंड जिरकोनियम। तो ये यहाँ पर 6 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो कमर्शियल माइनिंग का बैन लगा हुआ था अभी तक, उस बैन को यहाँ पे हटाने की बात करी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, बैन हटाने से कहीं ना कहीं क्या होगा? देखो, यहाँ पर ना हमारी जो सरकार है वो क्या कर पाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन मिनरल्स को कहीं ना कहीं ऑक्शन कर पाएगी, और जो रॉयल्टी होगी वो स्टेट्स के पास जाएगी। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट चेंज हमारी सरकार ने किया है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। टोटल कितने क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी गई थी? 30। तो क्या सारे के सारे 30 मिनरल्स को यहाँ पे हमने बैन हटा दिया है? द आंसर इज नो। यहाँ पर हमने बात करी है इन 6 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हमने ये बैन हटा दिया है। ठीक है, तो मतलब हटाएंगे, अभी तो आएगा, एक्ट आएगा, पर ये हटाने की बात यहाँ पे करी गई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, स्पेशली लिथियम के बारे में। देखो, लिथियम बैटरीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, और अलग अलग आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट लिथियम हो जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिथियम लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट मेटल है पूरी दुनिया के अंदर, और ये एक नॉन फेरस मेटल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। अब नोटिस करना कि इंडिया ना इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। 70% हमारी जो लिथियम रिक्वायरमेंट है, हम इंपोर्ट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। पर आई थिंक इस साल के, आई थिंक जनवरी मंथ की बात है, हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी लिथियम के रिजर्व्स वर्थ, मतलब टोटल 5.9 मिलियन टन हमें लिथियम रिजर्व्स हमें जम्मू कश्मीर में भी हमें डिस्कवर किए हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है ना दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब एक तो देखो, आप लोग जानते होंगे लिथियम ट्रायंगल के बारे में, मैंने पहले भी बताया था आपको, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ABC करके आप इसको याद कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम ये प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 47% जो दुनिया की लिथियम है वो प्रोड्यूस होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 30% चिली के अंदर, और 15% चाइना के अंदर। और लिथियम ट्राइंगल क्या है? अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, UNHRC के बारे में पढ़ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखो, अगर आपने प्रीलिम बूस्टर फॉलो करते रहे होंगे, तो एक बार ना, आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर की बात है, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो रशिया था, रशिया को UNHRC से सस्पेंड कर दिया गया था, है कि नहीं, याद है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि
रशिया ने काफी जो ना यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स की भी बात बीच में चल रही थी, काफी सारे लोगों को, सिविलियंस को यहाँ पे रशिया के जो ट्रूप्स थे उन्होंने मार दिया था, ठीक है ना। तो इस वजह से रशिया को यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया था, उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अभी क्या सर डिस्कशन है यूएनएचआरसी के रिगार्डिंग, देखो थोड़े टाइम पहले की बात है, जो स्वीडन गवर्नमेंट है ना, दरअसल में स्वीडन में हुआ क्या, एक इंसान ने कुरान, जो होली कुरान होती है, उसको जला दिया था। अब कंट्री ने, स्वीडन ने ये तो बोला कि हाँ ये चीज थोड़ा मतलब यू नो इतना मतलब ये ठीक नहीं है, पर साथ ही साथ स्वीडन ने ये भी बोला कि हमारे यहाँ पे ना राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम किस चीज की, जैसे हमारे यहाँ भी फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें स्वीडन के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे इस तरह की फ्रीडम है तो हम ये चीज बंद नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जो स्पेशली जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज थी तो उनको ये चीज बात ठीक नहीं लगी स्वीडन की। तो जैसे पाकिस्तान हो गया, उसी तरह से श्रीलंका ने भी बोला कि इनफैक्ट हम भी यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ही हैं, कि यहाँ पे यूएनएचआरसी जो कंडेम करेगी, ठीक है ना। तो ये बातें थी, तो उस वजह से यूएनएचआरसी न्यूज में आ गया। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएनएचआरसी है क्या। तो जैसे नाम में है ना ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया के अंतर्गत ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और नाम में क्योंकि यूएन है तो यूएन के अंतर्गत काम करती है। क्या सर सारी कंट्रीज इसका मेंबर है, द आंसर इज नो। देखो टोटल आज के टाइम पर यहाँ पे आपको 47 मेंबर्स इसके देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है ना, जो हमारे यूएन जनरल असेंबली है उसके द्वारा अकॉर्डिंगली मतलब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पर हर जो मेंबर होता है वो 3-3 साल के लिए मेंबर होता है, ठीक है ना। जो 47 मेंबर्स है ना उनकी टर्म कितनी है, 3 साल। अगर सर मान लो एक कंट्री 3 साल के लिए मेंबर बन गई तो क्या वो दोबारा बन सकती है, द आंसर इज यस। तो 3 साल और बन सकती है, तो सर फिर से हो गया, तो क्या फिर से बन सकती है, नहीं। होता क्या है ना, टोटल लगातार आप बस 2 बार टर्म कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब आप मैक्सिमम लगातार 6 साल के लिए बन सकते हो, फिर अगली बार के लिए आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो। तो 6 साल इज द मैक्सिमम टाइम कंजेक्टिवली आप बन सकते हो, ठीक है ना। 3 साल पहली टर्म, अगर दोबारा इलेक्ट हो गए तब भी आप 3 साल कर सकते हो, पर उसके बाद तीसरी बार कंजेक्टिवली आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। तो आज के टाइम पर ना इंडिया भी इसका यूएनएचआरसी का मेंबर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मैंडेट तो बहुत ही ईजी है, ह्यूमन राइट वायोलेशन को कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करना। मेंबरशिप मैंने आपको समझा दी। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन स्टेट्स की 13 सीट्स हो गया, एशिया पैसिफिक की 13 सीट्स हो गया, उसी तरह से टोटल यहाँ पे 47 इस तरह से बनाई जाती हैं। लैटिन अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप, टोटल 47 यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंडिया की लगातार इंडिया की छठी टर्म है ये, ठीक है। रीइलेक्ट हुआ इंडिया इस बार भी 2022 से 2024। अब अगली बार के लिए इंडिया कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब मैक्सिमम 2 कंजेक्टिव टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे टोटल 5 पर्सन ब्यूरो होता है, जहां पर एक प्रेसिडेंट हो गए और 4 वाइस प्रेसिडेंट। तो होता क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रीजनल ग्रुप्स हैं, ये सारे रीजनल ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, तो इनमें चीजें घूमती रहती है, कि लेट से कभी इस साल बन गया ये प्रेसिडेंट बन गया, फिर अगले साल ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर आगे ये बन जाएंगे, इस तरह से दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल ये वर्किंग इनका मैकेनिज्म है। कुछ एडवाइजरी कमेटीज हैं, इसके साथ ही कंप्लेंट प्रोसीजर है, किसी को कोई कंप्लेंट करनी होती है, तो ये सारी चीजें यूएनएचआरसी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएंगी, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जिनका नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। कल जो मैंने सवाल पूछे थे उनका क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। FL2027 क्या चिपिंग पोटैटो वैरायटी है, द आंसर इज करेक्ट। हमने देखा था कैसे पेप्सिको वर्सेस फार्मर वाला केस था। समर स्कीम की बात करें, देखो ये तो क्या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, द आंसर इज अगेन फॉल्स। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री थी हमारी, टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल के साथ लिंक्ड पूरी यहाँ पे स्कीम थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या पहली बार ये 2010 में लॉन्च हुआ था, द आंसर इज करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके हमें आज आंसर डिस्कस करने थे। इसी तरह से अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only Us ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।